7 टॉपसी टर्बी लैंड, उसका मतलब अपसाइड डाउन यानी उलट सुलट। जितना जैसे कि हम यहाँ पे अभी सीधे हैं तो वो उल्टा होगा, वैसा लैंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द पीपल वॉक्ड अपॉन देयर हेड्स। तो ये जो लैंड है यहाँ पे क्या होता है, सॉरी ये पार्ट नंबर 1 है आपकी यूनिट नंबर 7 का। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो उल्टे चलते हैं, इसका मतलब कि पांव नीचे रखते हैं और पैर ऊपर रखते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड। तो यहाँ का जो सी होता है ना, तो यहाँ का सी जो है वो वाटर से नहीं, वो सैंड से बना होता है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। तो चिल्ड्रन होते हैं वो रात को स्कूल जाते हैं, ये तो बहुत ही डिफरेंट है। इन टॉपसी टर्बी लैंड, तो इस जगह पे जिसका नाम है टॉपसी टर्बी लैंड, जो उलट सुलट वाला लैंड है। द फ्रंट डोर स्टेप्स इज एट द बैक। तो जो हमारा फ्रंट डोर होता है वो बैक साइड होता है, उसमें यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड। तो जब तुम खड़े होते हो तो वहां पे तुम चलने लगते हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। तो आप अपनी जो कैप होती है वो हेड पे पहनते हो, पर नहीं, वहां पे सब पैर पे पहनते हो क्योंकि उसके पैर ऊपर होते हैं। इन टॉपसी टर्बी लैंड, तो वहां सब उलट सुलट है वो वाली दुनिया। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। तो तुम देख सकते हो कि बस जो है वो सी पे चलती है। यहाँ पे पिक्चर में देखो तो बस जो है वो सी पे चल रही है पानी में। While pleasure boats are planned, तो जो boats जो होती है वो sand पे चल रही होती है, मतलब तैर रही होती है। The travel up and down the streets, तो travel करना होता है कहाँ पे, streets पे, up and down वैसे travel करते हैं। Of topsy turvy land, कहाँ पे, जहाँ सब कुछ उल्टा सुल्टा होता है। You pay for what you never get, तो तुम उसके लिए पे करते हो वहां पे जो तुम्हें कभी नहीं मिलता। I think it must be grand, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा होगा। For when you go, you are coming back, पर नहीं, जब तुम जाते हो तो तुम जल्दी वापस भी चले आते हो। तो वैसा होता है ये उलट सुलट जगह टॉपसी टर्वी लैंड। ओके, यहाँ पे न्यू वर्ड हम सीखे। टॉपसी टर्वी का मतलब है ऊपर से नीचे, अपसाइड डाउन यानी उल्टा सुल्टा। दूसरा प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है कुछ अच्छा, कुछ अच्छी फीलिंग वाला, यानी प्लेजर। उसके बाद लास्ट है ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बिग, ग्रेट वन। ओके, योर पार्ट नंबर 1 टॉपसी का विलायन इज कंप्लीटेड। नाउ वी टेक पार्ट नंबर 2 Gulliver's Travels। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे गुलीवर है जो ट्रेवल करता रहता है सी में, उसकी ऑटोबायोग्राफी मतलब जो वो खुद पे लिखने वाली बुक, मतलब खुद की स्टोरी लिखता है खुद की, तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography। मगर इसका मतलब है कि कोई पर्सन जो होता है वो खुद की ही लाइफ की स्टोरी बताता है ना, मतलब लिखता है ना, तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। गुलीवर अ सेलर वाज, गुलीवर यहाँ पे एक पर्सन है, वो सेलर है मतलब पानी में बोट लेके ट्रेवल करने वाला, उसे सेलर बोलते हैं। वाज वंस कॉच इन द लैंड ऑफ जायंट्स। तो एक दिन वो वहां पे पहुंचा जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, जायंट्स लोग रहते हैं। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इन एक्सपीरियंस। तो ये जो पूरा यूनिट है वो उसका एक्सपीरियंस उसने डिस्क्राइब किया है, तो चलो देखते हैं। ऑन द 16th June 1730, तो यहाँ पे डेट है कि 16 जून है 1730 की बात हो रही है। वी डिस्कवर्ड लैंड, तो हमने एक लैंड डिस्कवर किया। आवर कैप्टन सेंट अ डोजन मैन विद वेसल्स ऑफ वाटर। तो एक कैप्टन है, कैप्टन ने 12 लोगों को भेजा पानी में। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर आपको वहां पे कोई मिले
When we come to land, we show no river or spring nor any inhabitants. तो वो वहां पे गए ना लैंड पे, तो उनको वहां पे कोई रिवर नहीं मिली और रिवर भी नहीं मिली और वहां पे रहने वाले कोई लोग भी नहीं मिले, लैंड भी नहीं मिला. आई वेंट ऑन द एक्सप्लोर, तो उनको कुछ नहीं मिला तो वो आगे बढ़ने लगे. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, तो फिर उन्हें आगे जाके कुछ मिला कि जो कंट्री थी वो बंजर थी, वहां पे पानी नहीं था और बहुत सारे पत्थर भी थे. आई टर्न्ड बैक टू जॉइन द क्रू, तो मैं वापस जाने लगा. क्रू, क्रू यानी साथी, जो साथ में आते हैं ना, साथ मिलके काम करते हैं, वो उनके पास जाने लगा. ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, तो उसने देखा मुड़के कि उसके जो साथी है, क्रू मेंबर्स है, वो सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे अपनी बोट की ओर, अपनी शिप की ओर बोट के साथ. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम, तो उनको मैं ऑब्जर्व करता देखता, तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा क्रिएचर जो है वो उनके पीछे जा रहा है, वो भी फास्ट फास्ट, वो भी फास्ट जा रहे थे, वो क्रीचर भी फास्ट जा रहा था. द वॉटर ऑफ ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज फीट, हिज नीज, तो उस जायंट जो था ना, वो जायंट उसकी फीट तक ही आता था उसका सी का पानी, इतना बड़ा था वो. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, पर वो जो मॉन्स्टर था वो बोट को पकड़ नहीं पाया क्योंकि बोट की स्पीड ही इतनी ज्यादा थी. I turned back quickly and climbed up a steep hill with field of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. तो वो जो गुलीवर था ना, वो वापस चले लगा और थोड़ा हिल जैसा था वहां पे चढ़ गया, तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी मक्के की खेती थी. ओके, मक्का यानी कॉर्न, कॉर्न की खेती थी, बड़ी बड़ी थी, उससे भी ज्यादा बड़ी. There was a fence to pass from one field to another field. तो उसने देखा कि वह खेत जो है उनको डिवाइड किया हुआ होता है. Fence का मतलब होता है कुछ डिवाइड करना, तो खेत को डिवाइड करते हैं ना वो, तो उसने देखा कि फील्ड को डिवाइड कर दिया था. It was impossible to me to climb because every step was fixed feet high, 6 feet high. तो वो उसके लिए impossible था कि वो क्लाइंब कर पाता, क्योंकि एक तो वो छोटा था और दूसरा की जो वो स्टेप्स थी वो 6 feet अप थी, उसकी हाइट से भी बड़ी. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. तो मैंने एक वहाँ के इंसान, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ पर्टिकुलर जगह, उसने देखा कि एक इंसान आ रहा है, तो उसने एक गैप ढूंढ लिया उस सीढ़ी में से, स्टेप में से, तो वो ऊपर चढ़ने वाला था. He was the same size as the creature chasing the boat. तो उसने देखा कि वो भी उसी साइज का था जिस साइज का वो क्रीचर जो बोट के पीछे जा रहा था. I was stuck with utmost fear. तो वो डरने लगा, बहुत ज्यादा डर गया. And astonishment and ran to hide myself. तो मैं आश्चर्य में पड़ गया और वहां से भाग गया और खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा. He called in a voice much louder than a trumpet. वो लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे, जोर जोर से उनकी आवाज लग रही थी, ट्रम्पेट से भी बड़ी, ज्यादा आवाज. It sounded like thunder. तो वो जो उनकी आवाज थी वो थंडर जैसी थी. Seven monsters like him came towards the field ready to reap the corn. तो seven लोग थे, वो बड़े बड़े giants थे, वो seven थे वहां पे आए क्या करने के लिए, कि उन corn जो है उनको काटने के लिए आए वहां पे. They carried a reaping hook. They carried a reaping hook which was very big. तो ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो हुक है, उन सब ने कैरी किया हुआ था मक्के काटने के लिए. When one of the reaper approached when I lay hidden
आई स्क्रैम्ड एज लाउड एज कुड। तो एक जो था उसके एकदम बाजू में आ गया गुलीवर के, एक क्रीचर गुलीवर के बाजू में आ गया और गुलीवर डर गया और जोर से आवाज निकाली डर के। द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग। तो एक क्रीचर था उसने मक्के काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन फोर फिंगर्स एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आई 60 फीट अबव द ग्राउंड। तो उसने मक्के काटना बंद कर दिया और उसको उठा लिया, गुलीवर को एक क्रीचर ने उठा लिया और 60 फीट ऊपर उठा लिया अपने हाथ से उसके नजर के सामने ताकि वो उसको देख सके। He looked at me with curiosity and below my hair aside to get a better view of my face. तो उसने क्या किया कि उसके गुलीवर के बड़े बड़े जो हेयर थे ना उसको फूक मार के ब्लो फूक करके पीछे करने लगा ताकि उसका चेहरा देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. तो उसने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स को बुला लिया और धीरे धीरे उसको गुलीवर को नीचे जमीन पे रखा। They all sat on the ground to take a good look at me. तो वो सब है ना वो सब बैठ गए वहां पे ग्राउंड पे और मुझको देखने लगे, मतलब गुलीवर को देखने लगे। I walked slowly backward and forward. तो मैं धीरे से पीछे जाने लगा आगे आने लगा। Pulled off my hat and made a low bow towards to farmers. तो उसने अपनी हैट निकाली और धीरे धीरे नीचे नीचे बैठने लगा, खड़ा होने लगा, ऐसा करने लगा। I tried to speak to them loudly in several languages. तो वो गुलीवर जो था वो उन क्रीचर्स से बात करने लगा अलग अलग लैंग्वेज में ताकि एक लैंग्वेज उनको आए। Each time I did so the farmer who picked me up held his ear very close to me but in vain. पर ये सुनते एक क्रीचर ने क्या किया कि अपना कान पकड़ा और कान उसके बाजू में ले गया ताकि वो सुन पाए कि ये कह क्या रहा है, पर वो बेकार गया क्योंकि उनको आती नहीं थी वो लैंग्वेज। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो उनमें से एक फार्मर जो है वो उसको गुलीवर को अपने घर ले गया। घर ले गया तो गुलीवर ने देखा कि डाइनिंग टेबल जो है वो 30 फीट ऊपर था, 30 फीट ऊपर हाइट थी उसकी, गुलीवर से कहीं ज्यादा बड़ी। डिनर वॉज ब्रोट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। तो डिनर लाया गया, तो डिनर की जो डिश थी वो 10 मीटर बड़ी थी गुलीवर ने देखा तो। द फार्मर्स वाइफ क्रम्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो फार्मर की जो वाइफ थी उसने ब्रेड के टुकड़े कर दिए, कुचल दिया मेरे खाने के लिए और मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। तो खाने के बीच में मैंने आवाज सुनी मेरे पीछे से। इट वॉज द प्यूरिंग परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। तो उसने देखा कि ये पुरिंग आवाज जो थी वो कैट की थी और कैट जो है वो ऑक्स से भी 10 टाइम्स बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। तो फार्मर की जो वाइफ थी वो क्या करने लगी, उसे चुप कराने लगी, मतलब उसे कहने लगी कि साइड में रहो ऐसा कुछ। Then entered the farmer's 1 year old son in the arm of a lady. तो फार्मर जो था उसका एक सन था जो 1 year old था, तो एक लेडी उसको लेके आ गई। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. तो उस एक साल के बच्चे ने देखा ना उसको, तो उसको अपने हाथ से पकड़ लिया और उसको खाने ही वाला था। Put my head into his mouth, खाने ही वाला था। I shouted so loudly that the lady baby dropped me. तो मैंने जोर से आवाज लगाई तो जो बेबी था उसने मुझे नीचे रख दिया, मतलब
छोड़ दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हैड हर हैड हर एप्रोन अंडर मी. तो वो उसका सर टूट ही मतलब उसका गला टूट ही जाता था अगर उस लेडी ने एप्रोन पकड़ा नहीं होता उसका. लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ. तो लेटर उसके बाद क्या किया उस लेडी ने फार्मर की वाइफ ने क्या किया उस गुलीवर को ले लिया और अपने बेड पे रख दिया और उसके ऊपर व्हाइट कलर का रुमाल जैसा कुछ था उनका वो उड़ा दिया. आई स्लीप ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. तो वो गुलीवर जो था वो क्या सोचने लगा वो अपने वाइफ के बारे में सोचने लगा वो अपने घर के बारे में सोचने लगा वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगा. ओके तो ऐसे वो सो गया था. यहाँ पे नए वर्ड्स हमने सीखे. बिलोवी मतलब बहुत तेज आवाज. फिर है इनहैबिटेंट. इनहैबिटेंट का मतलब है उस जगह पर रहने वाले लोग. कौन मतलब वो जगह कोई भी जगह हो सकती है वहां पे रहने वाले लोग. बैरन बैरन का मतलब होता है बंजर. फिर है एस्ट्रोनिशमेंट. एस्ट्रोनिशमेंट का मतलब होता है बहुत सरप्राइज हो जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना. क्रम्बल्ड क्रम्बल्ड क्रम्बलेट उसका मतलब है छोटे टुकड़े करना यानी या फिर कुचट देना. फिर है ग्रैब. ग्रैब का मतलब होता है टाइट पकड़ना. और यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 2B सॉरी यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2B कंप्लीट. थैंक यू.